तो आप इतने एज में मतलब ये चीज आपको पैर कैसा दिखा देते हैं? पैर आपका पोलियो का मारा हुआ है। तो आप इतनी एज में भी मतलब मेहनत कर रहे हैं? मैंने देखा है कि मतलब कुछ लोग इतनी एज में आने के बाद भीख मांगने लग जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं या घर पे खाली पड़े रहते हैं। मैं आपकी हिम्मत को मतलब देखता हूँ कि जज्बा आपको कितना है, कितनी मेहनत कर रहे हैं इसी एज में भी। तब कि आपका ये एज जो है मतलब देखा जाए तो कितनी एज है आपकी? होगा 35 होगा। 50 ना? 50 ना, 50 से कम है? 50 या 40। हाँ 45, 40 से ऊपर ही है। तो इतनी एज में देखा जाए तो चाचा वैसे कितने का है सर आपका ये पेन? कितने का है पेन? 10 का। और ये 20 का। अच्छा ये 20 का। और क्या है इसमें? यही है, यही सामान है। कितना बन जाता है आपका एक दिन का? एक दिन का बन जाता है 200-250 बन जाता है। 200-250 बन जाता है एक दिन का? 200-250 पूरे दिन मेहनत करने पे? 300 बन जाता है। देखा जाए इस एज में, मेरा कहना मतलब ये इस एज में लोग खाली बैठना पसंद करते हैं या भीख मांगना पसंद करते हैं, जबकि आपकी एक टांग पोलियो की आई थी, दूसरी भी वो भी वीक कमजोरी है टांग। हाँ, तब भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे एक पेन दे दीजिए। बच्चों तो पालना है ना। एक पेन दे दीजिए मुझे। चार बच्चे मेरे को, 3 लड़की एक लड़का है। मतलब चार बच्चे भी हैं आपके? चार बच्चे। एक पेन दे दीजिए आप मुझे। ये पेन मैं ले लेता हूँ, बाकी कुछ आपकी हेल्प कर दूं। ठीक है चाचा, ठीक एक बार। ठीक है, लगे रहिए। और हो सकता है कि मैं आपसे दोबारा भी मिलूं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भाई। गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और गाइस मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा कहने बनाने का मतलब ये है कि हम जिस भी लायक हैं, जितनी हम हेल्प कर सकते हैं होमलेस पीपल्स की या जिन्हें नीड है हमारी हेल्प की, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मुझे सपोर्ट करिए गाइस, ताकि मैं इन फ्यूचर और भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ और ऐसी सपोर्ट करता रहूँ जो होमलेस पीपल्स हैं या जिन्हें हमारी नीड है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आई एम रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।